दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट्स ने लोगों के बीच डर का माहौल खड़ा कर दिया है। काफ़ी तेजी से फैलने वाले इस वेरिएंट्स को WHO इसे खतरनाक बता रहा है। इसके बचाव के लिए दुनिया के लोग सतर्क हो गए हैं। इसका औपचारिक नाम B11529 है। WHO ने इसका नाम ओमिक्रॉन दिया है और बताया है कि कोरोना का सबसे ज़्यादा म्यूटेटेड वर्जन है और इनके कई म्यूटेशन और इसके काम करने का तरीका भी अलग है अन्य वेरियंट्स के मामले में। और इस वेरियंट्स के 50 म्यूटेशन का पता लगाया जा चुका है और स्पीक प्रोटीन के 30 से ज़्यादा मिले हैं और इसी से वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और वैक्सीन के जरिए भी इसे स्पाइक प्रोटीन को निशाना बनाया जाता है। इसी के लिए डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 7 गुना ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इसी वजह से दुनिया भर के साइंटिस्ट इस वेरिएंट को खतरनाक मान रहे हैं। इसी कारण अफ्रीका फ्लाइट को रोक लगा दिया गया है। दुनिया भर में इसका सिलसिला शुरू हो गया है। यह वेरिएंट्स अभी तक 17 देश में जा चुका है और इंडिया की बात करें तो कोरोना केसेस के मामले में 10,000 से नीचे बने थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि नए केसेज नए वेरिएंट्स से ही हैं। इसके बीच मुंबई का आंकड़ा डराने वाला है, क्योंकि इस शहर में बीते दिनों में अफ्रीका से लगभग 1,000 लोग आए हैं। अब तो आगे क्या होगा वक्त ही बताएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से सतर्क रहें, साथ ही नए कोरोना वेरिएंट से सारे नियमों का पालन करें। इसके बारे में पूरा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो है और हमारे पिछले वीडियो पर प्यार देने के लिए धन्यवाद।